हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। और लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आजकल जागरण आ चुकी है कि हैंड वॉश करना है, और हर लोग खाने के पहले, खाने के बाद और भी मौक़ों पे वो फॉलो कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी गुड हैबिट है ये। और मैंने पिछले वीडियोज़ में मैंने हैंड वॉश के कुछ प्रोसीजर भी बताए थे, जो कि जिसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था। तो आज हम हैंड सैनिटाइजर के बारे में बात कर रहे हैं। हैंड वॉश भी उतना ही ज़रूरी है जितना हैंड सैनिटाइजर, क्योंकि हम फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश नहीं कर पाते हैं, तो हैंड सैनिटाइजर हम फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। पर हैंड सैनिटाइजर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि पहला तो ये मार्केट में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, इसकी मिल ही नहीं, आपको मिलेगी ही नहीं इस टाइम पे। दूसरा है कि इसके जो रेट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो अनअफोर्डेबल है लोगों के लिए। पर अगर हम WHO के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हैंड सैनिटाइजर का जो कंटेंट है वो क्या है, तो उसमें देखेंगे कि जो हैंड सैनिटाइजर में मेनली जो कॉम्पोजिशन होता है वो होता है अल्कोहल का। अल्कोहल मीन्स आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होना चाहिए, इनप्रोपाइल अल्कोहल या इथेनॉल का होना चाहिए, जो कि हम इजिली किसी भी मेडिकल स्टोर से जाकर इथेनॉल ला सकते हैं, और कोई सा भी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी ला सकते हैं। तो मैं लेकर आई हूँ और उसे हम देख लेते हैं कि हैंड सैनिटाइजर बनता क्या है। बेसिकली क्या होता है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स है उसमें 40 से 60% अगर सैनिटाइजर में अल्कोहल होते हैं तो कोई भी वायरसेस एंड बैक्टीरिया टिक नहीं पाते हैं। तो जो वायरसेस पार्टिकल होते हैं वो थोड़ा रिजिड होते हैं, तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि जो अल्कोहल है वो उसका जो परसेंटेज है अपने सैनिटाइजर में 70% रखेंगे। तो चलिए, इस सैनिटाइजर को बनाने के लिए हमें चार चीज़ें की ज़रूरत होगी। वो है, जो पहला है कि ये हमने अल्कोहल लिया है, इसमें 96% इथेनॉल है, मीन्स इथाइल अल्कोहल है। दूसरा ये ग्लिसरीन है। तीसरा हमारे पास ये एलोवेरा जेल है, और चौथा आलमंड ऑयल है। ये चार इंग्रेडिएंट से हम एक हैंड सैनिटाइजर बनाएंगे, जो कि 40 या 50 रुपीज़ का बजट होगा, और वो 200 से 300 के रेंज में जो आता है सैनिटाइजर उसके कंपैरिजन बराबर होगा। तो आइए देखते हैं कि सैनिटाइजर कैसे बनता है। एक हम बीकर लिए हैं, और ये जो है हमारे पास इथाइल अल्कोहल, वो 100 ml का ऑलरेडी ये आया हुआ है। तो हम 100 ml, हमारे पास ये मेजरिंग फ्लास्क है, ये पहले अमोनिया का था, तो मैंने इसे खुद के स्केल से मैंने ये 100 ml तक इसमें मेज़र करके लिख रखा है मैंने। तो ये ऑलरेडी ये 100 ml है, तो मैं डायरेक्ट इसमें पोर कर देती हूँ। जो इथाइल अल्कोहल होता है वो बहुत ही ट्रेडिशनल है, और अल्कोहल का यूज़ पहले के टाइम में भी सब लोग इसे एंटीसेप्टिक, एज एंटीसेप्टिक यूज़ करते थे अल्कोहल को। और आप सभी इससे बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे कि ये जो एलोवेरा जेल होता है वो मॉइस्चर को भी कंटेन करके रखता है, हाइड्रेटेड रखता है। दूसरी कि ये इसमें भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है, तो इसका भी हम 2 से 3 ड्रॉप तक लेंगे। अल्कोहल को भी हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, बट क्या होगा कि अल्कोहल डायरेक्ट यूज़ करने से हमारा जो हैंड का जो सरफेस होगा वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा रफनेस आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इस ड्राइनेस को बैलेंस करने के लिए हम इसमें एलोवेरा जेल मिलाएंगे और ग्लिसरीन का 2 से 3 ड्रॉप मिलाएंगे। अब ये अल्कोहल बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था, तो इस कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल को डाइल्यूट करने के लिए हम इसमें 20 ml तक वाटर लेंगे। इसमें पहले से मैंने वाटर रख रखी थी, पर मैं अभी ले रही हूँ। 20 ml तक इसमें वाटर लेंगे। अगर हम 20 ml तक वाटर लेते हैं तो ऑलमोस्ट हमारा ये 20 ml से थोड़ा सा हम अबव लेंगे, 25 ml तक, ताकि हमारा जो अल्कोहल का कंटेंट हो वो 70 से 75 तक ही रहे। तो मैंने अप्रॉक्स 30 ml है ये,
तो मैंने 30 ml वाटर लिया है ताकि मैं इसे डाइल्यूट करके मैं 70% अल्कोहल बना सकूं, क्योंकि ये ऑलरेडी 96% अल्कोहल था। और इसमें हम आलमंड ऑयल डालेंगे जो कि मॉइस्चर सिर्फ ड्राइनेस को बैलेंस करने के लिए और फ्रेगनेंस के लिए होगा, क्योंकि इसकी जो स्मेल है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, पर अगर हम बादाम ऑयल डालेंगे तो बहुत ज़्यादा इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारे पास तो यस अब हमारा सैनिटाइज़र रेडी हो चुका है यूज़ करने के लिए। तो अब मैं 5 ml तक अपने यूज़ के लिए लेती हूँ। हाँ 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 क्या खुशबू है, बहुत अच्छी स्मेल है। और आई होप आप लोग भी हैंड वॉश ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से हैंड वॉश करते हैं और टाइम टू टाइम आप सैनिटाइज़र का भी यूज़ करें, क्योंकि हैंड वॉश उतना फ्रिक्वेंटली हम नहीं कर पाते हैं। तो हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर रखें अपने घरों में और अल्कोहल आप लेकर आ सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि 50 rupees में ये 200 का सैनिटाइज़र रेडी हो जाता है। थैंक यू।